हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर आईबीपीएस को लेकर के एक न्यूज आई है। आपको मालूम है कि आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है ये आपका ये ओपन हो चुका है। तो आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन ओपन हुआ है, इसको लेकर के क्या नोटिफिकेशन में है, कब एग्जाम डेट है, इसकी आज हम लोग पूरी यहाँ डिटेल जानकारी लेंगे और कैसे इसकी प्रिपरेशन सिलेक्शन मेंटर आपकी कराएगा ये आपको यहां पर मैं बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं वीरज दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। तो आइए जरा देखते हैं क्या कुछ हमको यहां पर दिखने वाला है, मिलने वाला है, सुनने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मैं विरद आप लोगों को अनअकैडमी पर मिलूंगा। आपको किसी प्रकार की डिटेल की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे अनअकैडमी विरद अनअकैडमी के नाम पर टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं। इस लिंक पर भी आप जाकर के मुझे सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दी गई है। इसके अलावा आप अगर कोर्स लेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब चीजों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप जरूर मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहां पर दूंगा। सो लेट स्टार्ट। ये है आईबीपीएस। आईबीपीएस के द्वारा जो आरआरबी की जो वैकेंसीज ओपन हुई हैं, रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिस स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबी, तो सीआरपी आरआरबी 9 जो है ये आपके सामने नोटिफिकेशन आपके सामने इश्यू हो चुका है। सो दोस्तों, यहां पर पढ़ने वाली क्या चीज है, पढ़ने वाली चीज ये है कि इस ये जो डिटेल कह सकते हैं जिसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी की, इसका जो एग्जामिनेशन होना है या उसके जो एग्जाम्स हैं वो टेंटिवली अगर देखा जाए तो सितंबर टू अक्टूबर के बीच होने हैं। सितंबर में होगा और अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा, यानी इसी महीने में आपको सितंबर अक्टूबर ये जो महीने आपको मंथ्स जो आपको मिलने वाले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जानेंगे कि आरआरबी का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आरआरबी का फॉर्म फिल कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप एज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले एज देख लीजिए, 1/7/2020 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो 21 से 40 साल के बीच का है, 21 से 40 साल के बीच का है, वो ये फॉर्म भर सकता है ऑफिस स्केल थर्ड के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए। और सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो 21 से 32 वर्ष है, और यदि अगर ऑफिसर स्केल वन के लिए देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करते हैं शॉर्टली अगर, तो इसमें 18-30 ईयर के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर क्लरिकल ग्रेड की या मल्टीपर्पज विंडो की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए 18 से 28 ईयर्स मांगे गए हैं। तो आप अपने इस एज क्राइटेरिया को जरूर ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग जो आप एलिजिबल हैं जिन जिन पोस्ट पर वो पोस्ट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और डेट्स भी लिखी गई हैं आपको किन किन डेट्स के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो सिंपली मल्टीपर्पज के लिए अगर देखा जाए तो मल्टीपर्पज के लिए आप बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन और इक्विवेलेंट। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर देखा जाए तो इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इक्विवेलेंट। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि प्रोफेशिएंसी होनी चाहिए आपकी उस जगह की लोकल लैंग्वेज में जहां से आप जिस आरआरबी से आप फॉर्म भर रहे हैं, और वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इन सब का ये जो नोटिफिकेशन है इसकी डिटेल पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप यहां से देख सकते हैं, ऑफिसर इसके सेकंड और थर्ड के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की यहां पर क्वालिफिकेशंस दी हैं, आप इसको आराम से रीड आउट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, ये एक मेन कंसर्न होता है। अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करते हैं तो रिजर्व कैटेगरीज के लिए स्केल 1-3 में 175 रुपीज है, और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 850 रुपीज का फॉर्म पड़ेगा। सेम एज ऑफिस असिस्टेंट में भी यही चीज यहां पर एप्लीकेबल है, सेम फीस एप्लीकेबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और साथ ही लिखा है द बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बॉर्न बाय द कैंडिडेट। तो ये कुछ चार्जेस जो है एक्स्ट्रा वो भी आपके लग सकते हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस या व्हाटएवर जो भी होते हैं वो थोड़े बहुत लग सकते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सबसे मेन है नोटिफिकेशन का सबसे मेन पार्ट, आपको अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं। प्री और मेन दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह की तो बात करते हैं, तो यहां पर आपको बेसिकली दो पार्ट में देखने को मिलेगा।
फर्स्ट अगर देखा जाए, प्रिलिमिनरी अगर देखा जाए, यानी प्रीलिम्स के एग्जाम देखा जाए, प्री के एग्जाम देखा जाए, तो इसमें केवल दो दो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, ठीक है। और इसका मीडियम क्या होगा, इसके सामने स्टार बना हुआ है, तो स्टार का मतलब यह है कि आप जो नोटिफिकेशन में देखोगे, जो जिस रीजनल लैंग्वेज, जिस आरआरबी से आप भर रहे हैं, वहां की रीजनल लैंग्वेज जो है वो, और या फिर इंग्लिश आप उसमें चुन सकते हैं। इस वजह से यहां पर ये स्टार बना हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 रीजनिंग के होंगे, 40 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80, और इनके मार्क्स भी एक एक नंबर के होंगे, यानी 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, और इसका कंपोजिट टाइम आपको देखने को मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड इन अदर हैंड, अगर आप इस ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करते हैं, तो सेम चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, सारी क्राइटेरिया यहां पर सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन स्ट्रक्चर ये है। ऑनलाइन स्ट्रक्चर अगर हम मेंस की बात करते हैं, तो दैट विल बी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब इसमें से ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश आपके यहां पर ऑप्शनल है, आप यहां पर हिंदी ले सकते हैं। आपको सिलेक्शन मेंटर हिंदी भी अच्छे से पढ़ाएगा, इंग्लिश भी आपको अच्छे से पढ़ाएगा, रीजनिंग और मैथ्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। तो सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी, आप परेशान ना होइए, बहुत सारे चैनल्स पे हिंदी पढ़ने को नहीं मिलती है, पर यहां पे पढ़ने को आपको मिलेगी। तो कंपोजिट टाइम इसका जो है वो 2 आवर्स है, सारे 40-40 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस टोटल और 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है यहां पर। सेम यही कहानी आपकी यहां पर ऑफिसर स्केल सेकंड फर्स्ट के लिए भी रिपीट हो रही है, कंपोजिट आवर्स 2 है और सेम चीज यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है, 40-40 क्वेश्चंस और मार्क्स भी सेम है। बस केवल एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पे 40 क्वेश्चंस जो हैं वो 50 मार्क्स के हैं, एक चीज ये है, और यहां के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स के हैं, और यही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी, सेम यही चीज यहां पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका 40 क्वेश्चंस होंगे लेकिन इसके मार्क्स 50 होंगे, सेम एज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं, आप किस तरीके से गेन करना चाहते हैं, इसको आराम से प्रिपेयर करने की एक स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी करिएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो अगर देखा जाए तो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज के लिए अगर बात करी जाए, तो जो मार्क्स हैं ऑब्टेन करेंगे अगर आप मेंस में जाने के लिए, जो आप यहां पर वही बोला गया कि आपकी जो स्कोरिंग है वो मेंस के अकॉर्डिंग ही काउंट होगी, यहां पर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये एक तरीके से सेकेंड स्टेप में जाने का एक तरीका है, केवल फर्स्ट प्री होना। अगर हम पोस्ट ऑफ ऑफिस स्केल सेकंड फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहां पर मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। इट मीन्स कि यहां पर इंटरव्यू नहीं है, आपको ध्यान रखना है देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस स्केल फर्स्ट एंड देन आफ्टर द फाइनल लिस्टिंग, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस स्केल सेकंड, दिस इज जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। अगर इसकी बात करते हैं स्केल थर्ड की, तो मार्क्स ऑब्टेन इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे जिस जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आपको यहाँ पर और देखने को मिलता है, आपको मालूम है कि आजकल जो है कोरोना वायरस जो है उसने सबको अपनी चपेट में ले रखा है। तो इससे बचने के लिए और इस चीज को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये बहुत ज्यादा फोकस करने वाली बात है। जितने भी लोग हैं इसको बहुत सीरियसली लेगा, हो सकता है कि इतनी जरा सी लापरवाही से आपका एग्जाम छूट जाए। सारी प्रिपरेशन के बाद अगर आप इस पॉइंट को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आईबीपीएस ये काम करवाएगा। सो लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट फॉर द एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जाम व्हेन स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड एंड और इन्फॉर्म्ड वाया एसएमएस और मेल ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल प्रायर टू द एग्जाम डेट। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, 15 मिनट आपको पहले पहुंचना है। Then another important thing is what? That is mapping of candidate roll number and lab number will not be displayed outside the exam venue, but same will be intimated to the candidate individually at the time of entry of the candidate in the exam venue. तो आप जो पहले बाहर देखते हैं बोर्ड पे चिपका रहता था वो नोटिस, वो नहीं चिपका रहेगा, बाद में आपको अंदर जाने पे बताया जाएगा, राइट। Then other most important thing is here. The third point is the most one important point, that is आइटम्स परमिटेड इन टू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट। क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मास्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई सजेस्ट यू प्लीज कीप
प्लीज ट्राई टू कीप N95 मास्क, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी एंड मैं इसको जो है रेड कलर से सर्कल कर दे रहा हूं। कीप इट इन माइंड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ मास्क विद यू आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से मना किया जा सकता है। कीप इट इन माइंड वेरी स्पेशली। देन आफ्टर ग्लव्स ये आप ले सकते हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml एंड अ सिंपल पेन। देन आफ्टर जो चीजें आप ले जाया करते थे रेगुलर बेसिस पे आप वो लेकर के जाएंगे। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कॉल लेटर्स वगैरह जो है वो सब लेकर के जाएंगे आप। कॉल लेटर आईडी कार्ड शुड बी बॉट विद द फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आईडी, फोटो आईडी की फोटो कॉपी के साथ अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के आपको जाना है बाकायदे। नेक्स्ट, अगर आपके साथ में कोई स्क्राइब कैंडिडेट है, अगर आपके साथ में कोई सहायक व्यक्ति जा रहा है आपके साथ, तो उसका भी जो प्रोफॉर्मा है वो पूरा होना चाहिए। जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर मांगा गया वो स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। और उसके अलावा क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स, कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंसिंग। कीप इट इन योर माइंड दैट सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो। कैंडिडेट शुड सेंड द रो स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड द वेन्यू। एंड अगला पॉइंट लिखा है, इफ कैंडिडेट इज अवेलिंग द स्क्राइब देन स्क्राइब शुड ऑल्सो बियरिंग देयर ओन ग्लव्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज N95 मास्क, सैनिटाइजर एंड वॉटर बॉटल एक्सेट्रा। वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी, यहां पर एक पॉइंट है, वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी। बोथ कैंडिडेट्स एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू ब्रिंग N95 मास्क। ये बोल्ड टाइप में लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं और ब्रैकेट में भी कर रहा हूं, ध्यान रखें, नहीं तो इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपका एग्जाम जो है वो छूट सकता है। देन ना केवल इतना ही नहीं, आप वहां पर मोबाइल लेकर के जाएंगे और मोबाइल में आपके आरोग्य सेतु जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए और आप वो दिखाने के बाद ही आप अंडर एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद आपको वो फोन स्विच ऑफ करके रख देना है, जमा कर देना है और उसके बाद आप आराम से लेकर के जा सकते हैं। और जिनके पास में एंड्रॉयड ऐप नहीं है उनके उनको एक स्पेशली फॉर्म फिल करके ले जाना है, वो फॉर्म यहां पर आपको मिल जाएगा नोटिस में, आप उसको लेकर के जरूर जाइएगा। राइट, ओके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट, दैट इज द टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। व्हाट इज दैट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। द डेट इज स्टार्ट फ्रॉम 1st of July टू 21st of July 2020, यानी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट जो है वो आप 1 से 21 के बीच में ही कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कह सकते हैं कॉल लेटर, जिसको हम लोग PET बोला करते थे, लेकिन लेकिन हो सकता है कि एग्जाम कंडक्ट ना हो ड्यू टू COVID-19। अगर हो सकेगा तो 12/8 को आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिलेगा। अगर ये एग्जाम नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद उसी एग्जाम के कंडक्ट होने की बात है, तो ये तो खैर छोड़ दीजिए इस पॉइंट को, ये होने से रहा मुझे ऐसा लगता है, बाकी IBPS जैसा करेगा वो देखेगा खुद ही। तो दो इंपॉर्टेंट डेट तो आपको यहां से मिल रही है। थर्ड वन इज आपके जो प्री का जो कॉल लेटर है वो अगस्त में डाउनलोड होने वाला है, इसका मतलब आपका एग्जाम जो है वो अगस्त में होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि 1 अगस्त को ही आपका पेपर है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 जुलाई के बाद से आपके पास पूरा का पूरा जुलाई और पूरा का पूरा देखा जाए तो यहां पर पॉइंट आपको मिलता है, माफ कीजिएगा, सितंबर, सितंबर में आपका एग्जाम होगा। अगस्त में तो कॉल लेटर्स डाउनलोड होंगे, सितंबर 1, यस, सितंबर अक्टूबर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा था। अगर 1 सितंबर यहां पर मान लेते हैं तो आपको जुलाई और अगस्त यहां पर पूरा मिल रहा है और 2 महीने की यहां पर अच्छे से तैयारी करने और रिविजन करने का मौका मिल रहा है। कौन कराएगा? सिलेक्शन मेंटर कराएगा, ठीक है? ओके, रिजल्ट्स वगैरह का डेट यहां पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन का जो मेन का एग्जामिनेशन होना है वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आप सारे डेट्स यहां पर देख सकते हैं आराम से, पूरा अच्छे तरीके से इसको कैलेंडर कर लीजिए अपने पास। अब बात आती है कि IBPS बैच स्टार्ट कौन कर रहा है, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन मेंटर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपको सिलेक्शन मेंटर पे क्या ये IBPS का बैच मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत स्पेशल वे में मिलेगा। बैच का नाम होगा IBPS RRB प्रीलिम, उसके बाद हम लोग मेंस का भी बैच चलाएंगे, लेकिन ये प्री का बैच है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बैच जो चल रहा है इसका एग्जाम तो सितंबर अक्टूबर में होना है, पर ये बैच स्टार्ट कब से होगा? तो बैच स्टार्ट होगा आपका 5 जुलाई 2020 से। तो आप इसमें कैसे जो है एनरोल कर सकते हैं, आपने आपको ये बैच कैसे स्टार्ट होगा, किस तरीके से स्टार्ट होगा,
उसको सबको जानने से पहले आपके मन में एक बात आ गई होगी कि सर कितनी फीस लेंगे आप इस बैच को पढ़ाने के लिए। डेफिनेटली फीस तो हम लेंगे इस बैच को पढ़ाने के लिए, लेकिन कितनी फीस लेंगे ये है आपके सामने उसका रिजल्ट। फीस इसमें नहीं है, फ्री है, लेकिन आपकी फी जो है वो आपकी मेहनत होगी, लगन होगी, और मेहनत और लगन जो है आपकी, बस यही आपकी फी है। आपको इस बैच के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगाने हैं, बस आना है, टाइम पे पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है वो सॉल्व करने हैं, और उनके उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको देखनी है, राइट। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर से हमारे जुड़ जाना है। वो व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। कौन से हैं वो नंबर, ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन नंबर्स पर आप तुरंत सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। आप जुड़ेंगे तो ये बैच स्टार्ट हो पाएगा अच्छे से। अगर आप नहीं जुड़ेंगे, आपके कमेंट्स कम आएंगे, तो फिर शायद इस बैच को स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो। इसलिए सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, और यहां पर इन नंबर्स पे क्लिक करके आपको लिखना है RRB। आपको अपने नाम के साथ RRB लिख करके इनमें में से किसी नंबर पर भी सेंड कर देना है, RRB लिख करके, राइट। और क्या करना होगा आपको बैच ज्वाइन करने के लिए, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाते जाते आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, तभी आपको भी फायदा है, तभी हमको भी फायदा है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इस चीज को समझने के लिए, एंड वी विल मीट ऑन द बैच इन द बैच ऑन 5th ऑफ जुलाई 2020, राइट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।